स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा GSFC में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गई है। अप्लीकेशंस फॉर्म आप कहाँ से जाकर के फिल कर सकते हैं, अप्लीकेशंस फॉर्म को कैसे और किस तरह से क्या सारी प्रोसेस होंगे इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। ओके, सो सबसे पहले स्टेप आपका क्या है, अप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचने का प्रोसीजर जो है। एडमिशन लेने के लिए आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, तो जिसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी एक GSFSC यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर एंड सर्च इट, एंड आपको यहाँ पर रिजल्ट आता है कि ये इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के देखने को मिल जाता है टाइटल में ही कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, सो फिर आप यहाँ पर देख पाते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू किया गया है फॉर वेरियस कोर्सेज के लिए। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन हियर एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इज बी रिलीज फॉर वेरियस कोर्सेज, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सो हम यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके चेक करेंगे। सो GSFC यूनिवर्सिटी में 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड। ओके, वेरियस कोर्सेज क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन हियर। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी होगी, बट उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिल करना है अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से स्टेट से आप हैं, सिटी क्या है, इंटरेस्टेड कोर्स क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करें और गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएगा, आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लिए। ठीक है, जब आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। अब उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। सो जब आप क्लिक करते हैं न्यू टैब में ओपन होंगे और यहाँ पर आप खुद देख पाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ सामने लिखा हुआ है। जैसे ये प्रोग्राम है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सब बताया गया, सीट कोटा कितना है, टोटल इनटेक कितना है, ड्यूरेशन कितने साल की होती है, और ये नो मोर जानने के लिए और कुछ जानने के लिए यहाँ पर अप्लाई देख सकते हैं। और अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और भी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, इन सारी की डिटेल्स यहाँ पर देखनी है, जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए, सिंपल। अगर आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करनी है तो आप ये प्रोग्राम्स पढ़ें और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई करें। बैचलर्स ऑफ साइंस में अप्लाई करना है, BSc में अप्लाई करना है, या फिर BSc किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से उस प्रोग्राम को चूज़ कीजिएगा जिस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सो मेरा प्रोग्राम है केमिकल इंजीनियरिंग, सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी BTech। ठीक है, BTech में मैं यहाँ पर प्रोग्राम केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ करता हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन देख सकता हूँ, 4 साल का होता है कोर्स। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूँगा। सो प्रोग्राम देखने को मिलेगा जहाँ पर सेलेक्ट प्रोग्राम करनी होगी। तो ओके, यहाँ पर प्रोग्राम ही नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है, मैं बैक जाता हूँ। BTech, ओके, यहाँ से अप्लाई भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लॉगिन पे नहीं आना है कुछ। ओके, सो हम यहाँ पर करेंगे, इस पेज पर आने के बाद ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। सिंपली आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सब यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आना है, एग्री करना है, क्योंकि वो सब डिटेल्स होती है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो डिटेल ब्लॉक लेटर में लिखना है यहाँ पर, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखनी है, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर होता है। फुल नेम आपका क्या है, सर नेम, नेम एंड फादर हस्बैंड नेम, ग्रैंड गार्जियन जो भी होगा घर में, या फिर मदर का नाम भी डाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर फिल करनी होती है, आधार कार्ड नंबर, जेंडर पता नहीं होती है, कौन सा जेंडर है आपका, नेशनलिटी, और इंडियन सिटीजन से कौन सा सिटीजन से, ब्लड ग्रुप बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, डेट ऑफ प्लेस, कैटेगरी, और डिफरेंट टेबल अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक करके रखें। एडमिशन डिज़ायर अंडर द जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। अब कैटेगरी यहाँ पर डिटेल्स देनी होती है, जहाँ पर कैटेगरी की डिटेल्स
देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसमें एड्रेस डिटेल्स आता है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पर देनी है, ठीक है, पूरा एड्रेस देनी है। कौन से स्टेट में रहते हैं वो यहाँ पर बतानी है सेलेक्ट करके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यहाँ पर वो बता देंगे, जो जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इधर ऑप्शन ही नहीं है, तो बेकार है यार, जो भी है। तो यहाँ पर आधार का ऑप्शन है, आधार ये सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। विलेज का नाम, सिटी का नाम लिख दूंगा, पिन कोड नंबर लिख दूंगा जिस एरिया में रहता हूँ। अब दूसरा एड्रेस फिर से यहाँ पर फिल करनी है, अगर आपका एड्रेस, इन केस अगर आपका एड्रेस यही वाला एड्रेस ही दूसरा वाला एड्रेस है, यानी कि आपके पास दूसरा कोई एड्रेस नहीं, यही एड्रेस पर ही आप मिलेंगे, यही आपका परमानेंट एड्रेस है जो पहला वाला यहाँ पर आपने फिल किया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर सेम टू सेम जो है, मतलब यहाँ ये इस जगह पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा, सेम वही एड्रेस रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर चाहिए, सेकंड मोबाइल नंबर क्या है आपका, ईमेल आईडी एंड गार्जियन का मोबाइल नंबर, फादर या फिर गार्जियन जो भी है उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, रेसिडेंस फ़ोन नंबर होता है वो यहाँ पर चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर दे देनी, कार्ड जिनका भी अकाउंट होल्डर है जो भी हैं उनका यहाँ पर नाम चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट्स IFSC कोड चाहिए, बैंक नेम, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस, तो एग्जामिनेशंस जैसे कि 10th क्लास का हो गया, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सीट नंबर, स्कूल, कॉलेज नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स, परसेंटेज सब यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर लास्ट में मंथ होता है, जैन जो भी ईयर वो पासिंग ईयर होता है कि कौन से ईयर में आपने पास किया, 10th क्लास, सीट नंबर क्या था, स्कूल का नाम क्या था या फिर कॉलेज का नाम, कितने मार्क्स ऑब्टेन थे, कितने में से लाया आपने, लाइक 600 मेरा टोटल मार्क्स था, उसमें से मैंने 344 मार्क्स लाया, तो एग्रीगेट मार्क्स कितना हो गया, 57। और यहाँ पर परसेंटेज अगर CGPA में आया या फिर परसेंटेज में आया तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर इसी तरह से 12th का डिटेल देनी होती है, सेम कौन सा क्या क्या सब यहाँ पर देना है, एग्जामिनेशन बतानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने 12th क्लास साइंस से पढ़ा है, फिजिक्स थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, ये प्रैक्टिकल तो ये केमिस्ट्री में आता है, ये मैथ्स में थ्योरी बतानी होती है, और इंग्लिश में जो भी है, ठीक है, कंप्यूटर की बतानी है, टोटल बतानी यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनेशंस यहाँ पर जेई वगैरह आपने दिया रहेगा एग्जामिनेशंस, तो ये सभी के डिटेल्स यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट अपलोडिंग का काम है यहाँ पे, मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, ठीक है, SSC मार्कशीट, ओके, JPG, JPLG, PDF, PNG ये सभी चलेंगे यहाँ पर, बट बोला गया कि 1 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 MB से कम होना चाहिए आपका जो भी फाइल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करूँगा तो यहाँ पर इतना कम चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। फिर इसी तरह से 10th का, 12th का, JEE मेन का, JEE सेट, ओके, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, लिविंग सर्टिफिकेट्स, एड्रेस प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड हो सकता है वो भी चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर चाहिए, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आपको ये सारी चीज़ें फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको करना क्या है कि सबमिट कर देना होता है, सबमिट कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होता है, बस ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी है, फिर इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और हो जाएगा आपका। सो अगर आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करें और चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।